ये मेथड मैं आपको कंप्यूटर में करके दिखा रहा हूँ, ये आप अपने स्मार्टफोन में भी कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, हमारे पास कोई पीडीएफ फाइल रहता है जिसके अंदर 20 या 30 इमेजेस होता है जो हमें अलग से चाहिए होता है, तो हमें स्क्रीनशॉट लेना पड़ता है, उसके बाद क्रॉप करना पड़ता है। मैं जो मेथड दिखाने वाला हूँ, इस मेथड से आप पीडीएफ फाइल के अंदर जितना भी इमेजेस होगा आप उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, आपका सिलेक्ट किया हुआ फोल्डर में वो डाउनलोड हो जाएगा। 20 या 30 जितना भी इमेजेस होगा वो आपका सिलेक्ट किया हुआ फोल्डर में डाउनलोड हो जाएगा। सबसे पहले आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जाना है एंड सबसे ऊपर आपको जो लिंक मिलेगा उस लिंक में क्लिक करना है। लिंक में क्लिक करते ही ये वाला वेबसाइट ऑन हो जाएगा। अभी यहाँ पर आपको पीडीएफ फाइल सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे कन्वर्ट टू जेपीजी जो ऑप्शन है इसमें क्लिक कर देना है। अभी यहाँ पे आपको डाउनलोड जेपीजी इमेजेस पे क्लिक करना है और ये अपने आप डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। अगर डाउनलोड स्टार्ट ना हो तो यहाँ पे डाउनलोड जेपीजी इमेजेस पे क्लिक करना होगा आपको। ये जीप फाइल में डाउनलोड हो रहा है। अगर जीप फाइल ओपन करने के लिए आपका डिवाइस में कोई सॉफ्टवेयर ना हो तो विदाउट सॉफ्टवेयर कैसे जीप फाइल को एक्सट्रैक्ट करते हैं उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बना चुका हूँ, तो आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर मेरा चैनल में जाके मिल जाएगा। तो ये सारे इमेजेस इस पीडीएफ फाइल के अंदर था जो यहाँ पे पूरा एक्सट्रैक्ट हो गया और इसका क्वालिटी भी ठीक ठाक ही है।